हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल मार्केटी स्टाइल में चॉकलेट स्लाइस केक, जिसे लेयर केक भी कहते हैं। मैं आपको आज ओरियो बिस्किट से बनाना बताऊंगी, बहुत ही आसानी से और झटपट आप इसे बना सकते हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है और इसे हम सिर्फ 3 चीज़ों से ही बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 4 ओरियो बिस्किट के पैकेट लिए हैं। सभी बिस्किट जार में तोड़कर डालेंगे और इसका बारीक पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने बारीक पाउडर कर लिया है बिस्किट का। इसमें हम 3/4 कप दूध डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके दूध डालकर और इसे इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। दूध मैंने इसमें नॉर्मल टेम्परेचर का ही लिया है। ये हमने केक बैटर बनाकर तैयार कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो बैटर है इसे हम 2 बाउल में डिवाइड कर देंगे। पैन में हल्का सा ऑयल लगाकर इसे हम ग्रीस कर लेंगे। एक बाउल में 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे आपको बहुत ज़्यादा देर तक मिक्स नहीं करना है। जैसे ही ये मिक्स हो जाए, इसे हमने जिस पैन में ग्रीस लगाया था उस पैन में डाल देंगे। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। इसे हम पैन में अच्छी तरह से फैला लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप पैन में ही केक को बनाएं, आप किसी भी बर्तन में बटर पेपर लगाकर बना सकते हैं। पैन को हम गैस पे रख देंगे और गैस की फ्लेम हमें लो रखना है। इसे हम लीड लगाकर 10 मिनट के लिए बैक होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने चाकू डाला वैसा ही निकला है, मतलब ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया है। हम इसे लीड लगाकर ठंडा कर लेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से ये ठंडा हो गया है। तो अब हम इसमें प्लेट रखेंगे और इस तरह से इसे उल्टा करके और इस पर टैप करते हुए केक को हम निकाल लेंगे। दूसरे बाउल में भी हम 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और सेम उसी तरह से हम इसे भी पैक कर लेंगे। ये हमारा दूसरा केक भी बनकर तैयार हो गया है। केक ठंडा हो रहा है तब तक हम आइसिंग बना लेते हैं। तो ये मैंने 1/2 कप व्हिप्ड क्रीम ली है। आप किसी भी कंपनी की व्हिप्ड क्रीम ले सकते हैं। ये मैंने एक बाउल में बर्फ वाला एकदम चिल्ड पानी लिया है। पानी के बाउल में व्हिप्ड क्रीम को रखेंगे और इसे हम इलेक्ट्रिक बीटर से फेंट लेंगे। आप इसकी जगह हैंड बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बीटर से बहुत जल्दी आइसिंग बन जाती है, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। बीटर की स्पीड हमें फर्स्ट पे ही रखना है। आइसिंग बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसी तरह हम बीटर से 10 मिनट तक फेंट लेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि व्हिप्ड क्रीम के नीचे आप ठंडे पानी का बाउल रखें या फिर इसमें बहुत सारी बर्फ डाल दें। इससे क्या होगा कि आपकी व्हिप्ड क्रीम एकदम चिल्ड रहेगी, तो उससे आपकी जो आइसिंग है वो बहुत अच्छी परफेक्ट बनेगी। अगर आप नीचे पानी का बाउल नहीं रखेंगे तो उससे क्या होगा कि ये जो बीटर है इससे व्हिप्ड क्रीम गर्म होने लगेगी और जो मतलब आइसिंग का टेक्सचर होता है, थिकनेस, वो नहीं आएगा उसमें। बीटर थोड़ा गर्म हो गया था, इसलिए मैंने 5 मिनट रेस्ट के लिए रखा था। व्हिप्ड क्रीम थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, तो अब हम बीटर की स्पीड हाई कर देंगे।
ये देखिए व्हिप्ड क्रीम थिक होने लगी है, मतलब हमारी आइसिंग बनने लगी है। लेकिन अभी हमें इसे और थिक करना है, तो हम पहले इसमें फ्लेवर के लिए कुछ डाल देते हैं। तो मैं इसमें वैनिला एसेंस डालूंगी। अगर आप चाहें तो आप अपनी पसंद का कोई सा भी इसमें फ्लेवर डाल सकते हैं। मैं इसमें एक चम्मच वैनिला एसेंस डालूंगी। ये देखिए आइसिंग कितनी थिक हो गई है। मुझे इसे बनाने में 20 मिनट लगे हैं और बीच बीच में मैंने थोड़ी थोड़ी सी देर के लिए बीटर को रेस्ट के लिए रखा था। तो ये देखिए हमारी आइसिंग तैयार हो गई है। ये देखिए आइसिंग को उल्टा करने पे भी ये नीचे नहीं गिर रही है। ये देखिए केक बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर में काट लेंगे। तो चाकू से हम चारों साइड से एक जैसा स्क्वायर में काट लेंगे। आप इसे मनचाहे शेप में काट सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्क्वायर शेप में काट के दिखा रही हूँ। आप इसे चाहे तो गोल शेप में भी काट सकते हैं। साइड के कॉर्नर से हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक स्लाइस पर आइसिंग की मोटी लेयर लगा लेंगे। इस पर हम दूसरी केक स्लाइस रख देंगे। इसे हम बीच में से काट लेंगे। इसके हम छोटे छोटे से पीस कर लेंगे। एक स्लाइस में आपको उठाकर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दिखने में कितना यम्मी लग रहा है, उतना ही ये खाने में टेस्टी है। तो ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही कम समय में बन जाता है ये केक और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा।